नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप आईएएस में। बहुत ही खुशखबरी की बात है, अभी अभी यूपीएससी ने नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया है। इस बार जो है नोटिफिकेशन में कुछ थोड़ा सा ये कमी है कि जो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, इस बार थोड़ी सी घट गई है, यानी कि 796 वैकेंसीज आपके हैं। और जो आज डेट ऑफ रिलीज़ है वो आज ही अभी अभी ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो आइए इसके की हाईलाइट्स जान लेते हैं, क्या क्या यूपीएससी ने नई नई ट्रेंड इसमें लाई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। करने से पहले दोस्तों एक बात बता दूं कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे जितने भी इनिशिएटिव हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी से अभी अभी रजनीकांत यदु जो है छत्तीसगढ़ पीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। तो जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का, तो जुड़ सकते हैं और गाइडेंस आपको यहां मिलते रहेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, जो ये नोटिफिकेशन अभी अभी रिलीज हुआ है यूपीएससी के द्वारा, ये एग्ज़ाम आखिर है क्या। देखिए यूपीएससी जो है हर साल कंडक्ट कराती है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जिसकी नोटिफिकेशन अभी अभी जारी हुई है। और इस नोटिफिकेशन में जो है अभी आपकी जो है वैकेंसीज जो हैं टोटल जो हैं वो अभी कम हो चुकी हैं। तो जो आईएएस पॉपुलरली इसको आईएएस का एग्ज़ाम कहा जाता है, बट बेसिकली इसमें बहुत सी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे कि जितनी सेंट्रल लेवल की सर्विसेज हैं वो आपकी टोटल इसमें आ जाती हैं, ग्रुप ए की ग्रुप बी की जितनी भी हैं वो आ जाती हैं। तो आप कुछ हाईलाइट्स के बारे में जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि है क्या पूरा मामला। देखिए यूपीएससी ने जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है इस बार कराने वाली है उसमें 796 पोस्ट टोटल हैं, और जो एग्ज़ाम है वो एक बार कराया जाएगा पूरे साल में एक बार, ऑफलाइन में अभी तक है ये। क्या पता भविष्य में आए, ये भी हो सकता है कि एसएससी सीएचएसएल की तरह यूपीएससी भी जो है एक नया एग्ज़ाम पैटर्न ले आए जिसमें आप जो है ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे सकें। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपये है, और देखिए जो प्रीलिम्स आपका होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, यानी कि यहाँ पर एक तरफ हिंदी होगा एक तरफ इंग्लिश होगा। बट जब आप मेंस लिखेंगे, अगर आपने हिंदी मीडियम चूज़ करा है तो आपको हिंदी में ही लिखनी होगी, अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपकी कॉपियाँ जो है वैल्यूएट नहीं की जाएंगी। अगर आपको जो है कोई भी दिक्कत आती है तो इसमें जो है आप इतने नंबर्स इसमें दिए हुए हैं यूपीएससी ने, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यूपीएससी ने स्पेशली एक सेंटर भी बनाया हुआ है जिसको लेके जो है आप वहां जाके जो है बात कर सकते हैं स्पेशली, मैं उसका एड्रेस भी आपको भी नीचे दिखा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों जो एग्ज़ाम की डेट है दोस्तों, आज नोटिफिकेशन 12 फरवरी को जो है यूपीएससी ने इशू कर दिया है। अब देखिए आप इसको कब तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं 3 मार्च 2020 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो है जो एप्लीकेशन है वो इसी दिन तक जो है एक्सेप्ट होंगी। इसके बाद आपने चाहे फॉर्म की जो है पेमेंट पूरी कर दी हो, मगर आप जो है इसका जो है फॉर्म आप बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। वहीं जो आईएएस प्रीलिम्स का जब हम बात करते हैं 31 मई को है 2020 को, तो आप तैयार रहिए। 31 मई बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 113 से 117 दिन अभी बचे हुए हैं लगभग, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर समीक्षा सीरीज़ एक चल रही है, जाके देख लें, क्योंकि ये सीरीज़ में जो है हम प्रीवियस ईयर 1995 से लेकर आज तक के सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार चेक कीजिए वो सीरीज़ को, इतनी क्वालिटेटिव सीरीज़ है। रजनीकांत यदु जी ने भी फॉलो किया है और भी लोग फॉलो कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। अभी देखिए जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो अभी जो है जब आपका ये प्री हो जाएगा उसके बाद लगभग अगस्त या नवंबर में जो है ये आ जाएगा, उसके बाद जो अगस्त सितंबर में आ जाएगा, उसके बाद जो है मेंस के लिए आप जो है वो एलिजिबल जो होंगे वो जो मेंस देंगे, उसके बाद दिसंबर में क्या होगा आपका, दिसंबर में आप जो है मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे, और लगभग 3 फरवरी तक जो है आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, और मार्च तक जो है आपके इंटरव्यू निपट के आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इस बार की देरी का मैं कारण भी बता दूं, इस बार की देरी इसलिए हुई क्योंकि कुछ छात्रों ने जो है सीएटी यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो है केस कर दिया था, इस वजह से जो है मेंस का रिजल्ट आने में इस बार काफ़ी देरी हो गई थी। तो ऐसा इस बार नहीं होगा ऐसी आशंकाएँ लगाई जा रही हैं। तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं जो लोग नए हैं उनके लिए। देखिए ये जो है एलिजिबिलिटी इसमें यही है कि आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, दूसरी ये एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए है कि आपको किसी भी रिकग्नाइज्ड, यहाँ पे ग्रेजुएट कहाँ से, किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय लॉ उससे जो है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है 21 साल जो है वो पूरे हो जाने चाहिए। और इसके अलावा देखिए नेशनैलिटी की जब बात की जाती है तो यहाँ पे नेशनैलिटी तो बेसिकली जो है वो इंडियन ही होनी चाहिए,
आईएएस और आईएएस आईपीएस के लिए जो है टोटली वो होनी चाहिए। और देखिए जैसे नेपाल और भूटान है, तिब्बतियन रिफ्यूजी है बिफोर जनवरी 1962, तो जो कि इंडिया में परमानेंटली सेटल हो गया हो, और जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके बाद शायद वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे जो कि प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ जो हैं, जैसे कि 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, तो उन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी जो है आपके यूपीएससी में जो है फॉर्म भरने का जो है मौका मिल सकता है। तो देखिए अब देखिए बात करते हैं जो एज लिमिट है, एज लिमिट जैसे कि अभी बासवान कमेटी की रिपोर्ट आई थी, मैं दोस्तों साथ साथ में कमेटियां भी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे नोटिफिकेशन को लेके। नोटिफिकेशन भी आपको ऑफिशियल में जो है नीचे लिंक में दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 21 साल की जो है एज मिनिमम है और मैक्सिमम है जो 32 साल, जो कि जनरल के लिए है। 1 अगस्त 2020 से आपको, मतलब आपको जो है 21 साल पूरे हो जाने चाहिए। तो आइए देखिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो 32 साल का है, मगर बासवान कमेटी ने ये कहा था इसको घटा के जो है 26 साल कर दिया जाए। इस पे जो है नीति आयोग ने भी अपनी रिकमेंडेशन में कहा है। तो दोस्तों आप जो है तैयारी करते रहिए और मुझे लगता है कि जो है आप लोग जो है जरूर क्वालिफाई करेंगे। अब एसटीएससी की बात करते हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन है, +5 साल कर लीजिए, यानी कि 32 + 5 37 ईयर। ओबीसी के लिए 3 साल, यानी कि 35 ईयर्स यू कैन गिव द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। जब डिफेंस पर्सनल या फिर आप डिसेबल्ड हो गए थे ऑपरेशंस के द्वारा, तो आपको टोटल 3 साल की जो है डिसेबिलिटी, मतलब जो है वो मिलता है। वहीं देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है, और जो है पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस और जो है इनमें जो है इतनी सारी डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेंट्रल प्लासी, ये पूरा नोटिफिकेशन में जो है मेंशनड है। तो इसमें 10 साल की आपको जो है डिसेबिलिटी जो है, मतलब 10 साल का जो एक्सटेंशन मिल जाता है जिसमें एज लिमिट में। और देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्लियरली जो है वो कहा गया है नोटिफिकेशन में कि नो रिलैक्सेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू ईडब्ल्यूएस इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी में आपको कोई भी ईडब्ल्यूएस का जो है फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब देखिए जो कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही मांगी है बस यूपीएससी ने। और इसमें ये भी है कि जो लोग जो हैं अभी अभी जो है दे रहे हैं, मतलब कि जो छात्र जो हैं अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वो भी एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं। अलावा देखिए दोस्तों जब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो एक आदमी को जो है फिजिकली फिट होना चाहिए बस। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम अटेम्प्ट एक जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट हैं। इसके अलावा देखिए और ओबीसी और जितने भी डिसेबिलिटी क्राइटेरिया हैं उनके अकॉर्डिंग जो है बेंचमार्क अलग अलग सेट किया गया है कि उनको इतना इतना छूट मिलेगा। अब देखिए एग्जाम की प्रोसेस जो होगी, 3 स्टेज 2 स्टेज का एग्जाम होता है, प्री मेन इंटरव्यू PMI। तो देखिए प्री अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, एक GS 1, 4 GS के, 2 ऑप्शनल के, तो 4 GS + 2 ऑप्शनल, फिर उसके बाद लैंग्वेज कंपलसरी का एक पेपर होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है मेंस क्वालिफाई करने के बाद जो है इंटरव्यू में जाते हैं। तो अब देखिए आपके लिए जो फीस का क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए प्रिलिमिनरी के लिए जो आपकी फीस है वो 100 रुपये है, किसके लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और मेंस की फीस जो है वो 200 रुपये है। वहीं देखिए फीमेल एसटीएससी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं ली जाएगी। तो जो है आपको ये सब चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी था। और इसके अलावा देखिए जो भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेंस के हिसाब से कैसे आपको वो करना है। देखिए मेंस का जो आपका पेपर होगा दोस्तों, मेंस के आपके क्या क्या पेपर होंगे, ऐसे का होगा GS के 4 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर, कुल मिला के जो आपका पेपर बन जाता है वो कैसा बनता है देखिए, वो पेपर ऐसा बनता है कि 250 नंबर का ये एक एक पेपर होगा। वहीं जो है इंटरव्यू के अगर मार्क्स मिला लेंगे तो 1750 नंबर का जो है ये पेपर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, मेंस का टोटल पेपर हो गया 1750 का, और इंटरव्यू का 275 to 2025 का टोटल पेपर। इसी से जो है आपका यूपीएससी का जो है रैंक आपकी डिसाइड होगी, और जो यूपीएससी की रैंक डिसाइड होगी उसी से आपको जो है रैंक के हिसाब से जो है कैडर और जो है पोस्ट एलोकेशन जो है वो आपका होगा। तो अब मैं बात कर लूँ सेंटर्स के ऊपर भी, दोस्तों मेरा यही राय है कि नोटिफिकेशन आ चुका है तो अभी अभी भर लें, क्योंकि इसमें जो होता है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है यूपीएससी का एक क्राइटेरिया है, जिसमें क्या होता है कि आप जैसे जैसे आपके जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है आपके फॉर्म भरते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जो है सेंटर जो है भरते जाएंगे। और दिल्ली जो है सबका फेवरेट है क्योंकि पास में है और राजधानी भी है, तो बहुत से लोग जो है जो दिल्ली से तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाती है कि दिल्ली में ही सेंटर पा पाना। तो जल्दी से अभी ही भर लें तो आपके ये सेंटर्स जो है यूपीएससी ने टोटल इतने सेंटर्स जो है आपके टोटल आपके सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जो हैं वो एलोकेट किए हैं। वहीं अहमदाबाद, एजवाल, इलाहाबाद और ये सब सेंटर्स जो है आपके मेंस के लिए जो है वो दिखाए हुए हैं दोस्तों। तो मैं कुछ FAQs भी लेके आ रहा हूँ सिविल सर्विस एग्ज़ाम को लेकर, वो अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक दोस्तों मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारी समीक्षा सीरीज़ एक बार ट्राई करके देखें कि वो आखिर है क्या, क्योंकि देखिए समीक्षा सीरीज़ जो है बेसिकली आपके प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। करंट अफेयर्स का हमारा अपना एक सेक्शन चल रहा है, वो करंट अफेयर्स की जितनी सीरीज़ है वो भी आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी।